कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या मुलाकात का एजेंडा रहा, क्या बात आप लोगों ने? एजेंडा कुछ नहीं, हरियाणा में थोड़ा मामला जिस तरह से हो रहा है पार्टी के अंदर, तो हमारे जो वर्कर हैं कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थोड़े से अपसेट हैं, तो उस चीज को लेकर हमें लगा कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात उनकी बात रखें कि जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में, तो स्वाभाविक है जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराजगी और थोड़ी मायूसी आती है, तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जहां जाकर वहां पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नजर नहीं आ रही, तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है। तो वो जो भी बातें हैं कांग्रेस के अंदर की बात है, तो हम अपने अध्यक्ष के साथ वो बात करने आए थे। हम रणजीत जी और मैं, किरण जी ने भी आ रहे थे, तो हम वो बात करके आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर दिखता है कि कांग्रेस की वापसी जो है बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, लेकिन एकजुटता में कमी क्या रह रही है, वजह क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं, हरियाणा की जनता कांग्रेस की ओर देखती है और हमेशा से ये रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूत रही है, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कांग्रेस को ही अंदर से ही अब असली कांग्रेसियों जो कांग्रेस को ही डाइल्यूट करने का प्रयास चलता रहा है, तो उससे जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने सूखे में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कांग्रेस का साथ दिया है, आड़े वक्तों में कांग्रेस का झंडा उठाए घूमे हैं, कांग्रेस को जमीन पर मजबूत किया है, तो ठीक है बाहर और लोग आते हैं कांग्रेस में, हमेशा हम वेलकम करते हैं, परिवार बढ़ता है, अच्छा होता है, लेकिन जेन्युइन कांग्रेस के कॉस्ट पे नहीं, तो वो एक मुद्दा है। हरियाणा में लोग भी देखते हैं कि कांग्रेस का जो प्रारूप है, असली कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, खड़गे जी की कांग्रेस, सोनिया जी की रहनुमाई की कांग्रेस, ये कांग्रेस आगे आनी चाहिए और इसी के लिए लोग कांग्रेस की ओर देखते हैं, क्योंकि राहुल जी ने किसान की आवाज उठाई है, गरीब की आवाज उठाई है, नौजवान की आवाज उठाई है, महिलाओं की, तो इसलिए कांग्रेस की ओर। अभी पदयात्रा भी जब राहुल जी ने की, तो लोगों की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और लोगों की उम्मीदें हैं कांग्रेस से, लेकिन जब एक तरफा कुछ बात चल जाए तो वो कहीं ना कहीं जब गुटबाजी को कोई बढ़ावा दे तो उसमें लोगों की नजरों में एक गलत पिक्चर बनती है। बड़े नेताओं को जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, आपको लगता है उनको जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए इस सब चीजों को खत्म करने की, इन चीजों को बढ़ावा ना देने की? हम लोग तस्वीरों में भी देखते हैं, अगर कार्यकर्ता तस्वीरों के अंदर भी मैं देखते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है ठीक बात है, आज के दिन किसकी जिम्मेवारी है आज के दिन, ये भी तो देखने वाली बात है कि किसकी जिम्मेवारी। अभी भी आपने देखा ऑब्जर्वर्स भी गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए, और ऑब्जर्वर्स ही खुद अगर पार्टी हो जाएं और बातें करें, तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करता है कि